दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश खड़वई हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर महात्मा गांधी और नाथुराम गोडसे, इन दोनों में आपके पसंद कौन है, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन आज यानी कि 2020 में भी ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी को नहीं, नाथुराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। और ना केवल आदर्श मानते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से उनको सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करके इस देश पे उपकार किया है, नाथुराम गोडसे ने जो किया वो सही किया। और वो कौन लोग हैं वह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि मेरी जानकारी सही है, मैं आपको एक सही जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस टू बेल आइकन। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी के, आंध्र प्रदेश बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके रमेश नायडू, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दोस्तों एक ट्वीट किया है। और ट्वीट करके वो बता रहे हैं कि नाथुराम गोडसे कितने महान व्यक्ति है भारत में। उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है, गोडसे एक सच्चे और भारत भूमि में पैदा हुए महान देश भक्तों में से एक हैं। ये उनके शब्द हैं, ट्वीट किया, लेकिन हालांकि हल्ला हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। अब मैं उनको ट्विटर पे लगा हुआ उनका एक फोटो दिखाता हूँ जिसमें वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। मतलब साफ है कि ये व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, उसका एक कद है बीजेपी में और वो पद पे रहते ही ऐसे बयान देता रहता है। लेकिन पहली बार नहीं है दोस्तों कि बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए हो। मैं आपको कुछ अतीत में लेके जाता हूँ और ऐसे कुछ बयान दिखाता हूँ जिस पे आपको सवाल लगाना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो लोग इस देश में सत्ता में बैठे हैं जो गोडसे को अपना देशभक्त मानते हैं, जो गोडसे को अपना रोल मॉडल मानते हैं। क्योंकि हम तस्वीर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जाके नमन करते हैं। हमें भी बताते हैं कि महात्मा गांधी ने एक इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो फिर उनके ही लोग ये क्यों कहते हैं कि नाथुराम गोडसे ने सही किया। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ, कर्नाटका बीजेपी के नेता नलिन कुमार कतील ने मई 2019 में एक ट्वीट किया था। उन्होंने क्या ट्वीट किया था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि गोडसे ने एक को मारा, कसाब ने 72 को मारा और राजीव ने 17,000 को। अब आप देखिए कौन सबसे ज्यादा जालिम है। ये इनका बयान है बीजेपी के कर्नाटका के नेता नलिन कुमार कतील का, मई 2019 का। हालांकि वो 2009 में सांसद थे, 2014 में भी सांसद है और 2019 में भी वो सांसद है, लेकिन जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं बीजेपी से पहले से ही, बचपन से, आज भी बीजेपी के नेता है। अब एक और चेहरा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा गोडसे और गांधी के बारे में, उन्होंने बहुत ही निम्न कक्षा की बात कही। और वो क्या कही वो आप सुनिए पहले। कमल हसन ने बयान दिया कि नाथुराम गोडसे पहले आतंकवादी थे, आप क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर आप पे भी आरोप लगते रहे पहले, दिग्विजय सिंह ने पहले बार ये शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या कहेंगे नाथुराम गोडसे पे? नाथुराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग। देखिए प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आज भारत में इनको हर कोई जानता है और उनके इस बयान का समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने। अनंत हेगड़े ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था दोस्तों कि मैं खुश हूं कि करीब 7 दशक बाद आज की नई पीढ़ी इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। साध्वी प्रज्ञा को इस बयान पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हालांकि बयान 2019 का है, उस वक्त हल्ला भी हुआ था, लेकिन बहरहाल मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये सभी बयान इसलिए जोड़े जाने चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश के बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके रमेश नायडू ने ऐसी बात कही है जो हमारे गले नहीं उतरती है। अनिल सौमित्र एक व्यक्ति है मध्य प्रदेश में, बीजेपी मध्य प्रदेश के मीडिया सेल के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने नाथुराम गोडसे और महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने एक शब्द लिखा था 2019 में मई में, जब ये साध्वी प्रज्ञा का वीडियो वायरल हुआ, तब फादर ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहा था उन्होंने
महात्मा गांधी को। अब ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि इस तरह की मानसिकता इनमें क्यों है। ये डबल स्टैंडर्ड है, आप कहते कुछ और हैं और आपके लोग करते कुछ और। इस देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो सही की। और आप कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं, आप कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो किया वो सही किया, आप कहते हैं कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द पाकिस्तान है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को आपने प्रमोशन क्यों दिया? किसको प्रमोशन दिया, मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ। अनिल सौमित्र, जिन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा था, उनको IIMC यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ द मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ये बातें अपने आप में बहुत कुछ हैं, जरा सोचिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।